कौन सी घड़ी का है? ओ चलो पहले जूते तो पहन लूँ मैं, जूते तो पहन लूँ मैं। तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, घर से। तो ये ऑस्मो से ब्लॉग बना रहा हूँ मैं अपना। तो ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ अपना ऑस्मो से, ऑस्मो एक्शन कैमरा। मैं सोचा चलो आज निकाल के देख ही लेता हूँ कितने देर चलती है इसकी बैटरी। तो आज ये भी पता चल जाएगा कितनी देर चलती है इसकी बैटरी। तो अभी निकल चुका हूँ और बज रहे हैं 12 शायद, एक मिनट, फोन 2 बजने वाले हैं। और पापा ने अगर ये व्लॉग देख लिया तो पापा कहेंगे बहुत देर बाद निकला है तू। तो फिलहाल मैं पहले निकल लेता हूँ यहाँ से, घर से आराम से, फिर बाद में जो बनता होगा मैं वो दिखा दूँगा। और एक घड़ी है मेरे पास, ये घड़ी ख़राब हो गई है तो ये शायद ठीक कराने के लिए देनी है मेरे को। तो चलते हैं। ये कलर ऐसे क्यों आ रहे हैं? चल बढ़िया है और क्या। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी रास्ते में हूँ, निकलता हूँ, मैं घर से निकल ही रहा था। पापा का फोन आ जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं निकल रहा हूँ, बाद में शाम को फोन करता हूँ मजे से, ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। भाई साहब जो वृंदावन लाला ब्लॉग था, मतलब सबको बढ़िया लगा और बहुत अच्छा लगा, मुझे भी सुन के अच्छा लगा कि सबको अच्छा लगा। चलो बढ़िया है, बस आपका काम ये शेयर करते रहो यार, बहुत बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग शेयर भी कर दो ना, मज़ा आ जाएगा फिर तो। चलो निकलते हैं। एक खामा का रास्ते में मैं चल रहा था तो एक रिक्शा वाले से टक्कर हो गई, एकदम ही ब्रेक मार ली और जो सामान लेकर जा रहा था मैं वो रास्ते में गिर गया। वो तो शुक्र है सही टाइम पे नुकसान कुछ नहीं हुआ, एक भी पीस ख़राब नहीं हुआ। आपको मेरे जैसा कोई बंदा मिलेगा पल पल की अपडेट देने वाला, नहीं सॉरी मैं ये बाद में बोला था वैसे को। तो अभी मैंने पापा का काम निपटा दिया है, उस सामान दे दिया जहाँ देना था और अब मैं सीधा पापा के पास ऑफिस में निकल रहा हूँ, क्योंकि उनके एक दो फ़ोन आ चुके हैं, मैंने उठाया नहीं, रास्ते में था, तो सीधा वहीं निकलूँगा अब मैं। और पल पल की खबर दे रहा हूँ मैं आपको, पल पल की अपडेट दे रहा हूँ, कोई न्यूज़ रिपोर्टर भी इतनी अपडेट नहीं देगा जितनी मैं आपको दे रहा हूँ। तो ऐसा बंदा कहीं मिलेगा आपको? नहीं मिल सकता ना। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहो मेरे चैनल को पल पल की अपडेट के लिए। और यहाँ बहुत शोर होने वाला है तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। मेरा मन कर रहा था कुछ पीने का तो मैं पी लिया मैंगो शेक। तो अभी मैं एक प्रिंट निकलवाने के लिए आया हुआ था रमेश नगर। तो दरअसल आपको याद होगा पिछले व्लॉग में अगर मैंने, आपने देखा होगा मैंने टिक्की खाई थी, तो उस टिक्की वाले ने
मेरे को 100 रुपये का नोट पकड़ा दिया, वो भी बेकार। मैंने व्लॉगिंग के चक्कर में चेक भी नहीं कर पाया मैं। अब जो जूस पिया है मैंने, तो उस जूस वाले को मैंने वो 100 रुपये का नोट पकड़ा दिया। और क्योंकि शाम को पेट्रोल डलवा रहा था, तब मेरे को पता चला कि वो 100 रुपये का नोट, जब पेट्रोल पंप वाले ने मना कर दिया, फिर मेरे को, मैं सोचा कि अब ये चेपना तो पड़ेगा ही किसी न किसी को, तो चेप दिया मैंने। और अब मैं सोच रहा हूँ कि चांदनी चौक जाऊँ, और चांदनी चौक जाने के बाद इस ऑस्मो के कवर वगैरह देखूँ मैं, क्योंकि इसके लेंस वगैरह को भी गंदा होने से, ख़राब होने से बचाना पड़ेगा मेरे को। तो देखता हूँ, अब जाता हूँ मैं चांदनी चौक, निकलता हूँ थोड़ी देर में। कैमरा मार्केट तो आ चुका हूँ मैं चांदनी चौक में, लेकिन आते आते बहुत देर होगी। भैया कोई बंदा ऐसा है जो GoPro वाला हो, DS मतलब इसकी बॉडी वॉडी चाहिए हो GoPro की? नीचे तो सब चेक करता है उसमें। हाँ, नीचे नीचे सही करने वाला थोड़ी चाहिए अभी। हाँ, और बंदा कोई दूसरी चीज बता रहा है। सॉरी नहीं, यहाँ कोई बंदा है जो इसका मतलब GoPro वगैरह, GoPro वगैरह दे? हाँ जी, हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, चांदनी चौक में आया हुआ हूँ, मुझे पता करना था इसका कवर, लेंस कवर होता है क्या इसका, ऑस्मो का? लेकिन सर कोई अगर होता भी होगा, और कैरी बैग कोई होता होगा इसका क्या? ठीक है सर, ठीक है। इनको कुछ पता ही नहीं है जिसको मैंने फोन किया था। तो हम यहाँ, मेरे को खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि कोई शॉप अगर यहाँ मिल जाती है तो सस्ता सामान मिल जाएगा, वरना कंपनी से लूँगा तो महंगा मिलेगा खामखा। तो यहाँ जाम के चक्कर में मैं इतना लेट हो गया, रात हो गई मेरे को आते आते। पापा के साथ आया था बाइक पे। ये यहाँ मतलब किसी को भी ये नहीं पता कि कैमरा मार्केट है कहाँ, कहीं कोई बंदा कहीं बता रहा, कोई कहीं बता रहा है। देखना पड़ेगा कहाँ पे मार्केट। ये दुकान खुली है, भैया यहाँ पे कोई बोलिए बोलिए। ये GoPro वाला मतलब हो गई, इसकी बॉडी वॉडी चाहिए, मिल जाएगी क्या? हाँ, ऑस्मो है इसका, ऑस्मो मतलब एक्शन कैमरा नहीं होते, बॉडी मिलेगी एक्शन। अंकल जी, ये एक्शन कैमरे की बॉडी मिल जाएगी क्या? कवर वगैरह नहीं मिल पाएगी? कवर ये जैसे लेंस को उतना वो बैग, कैरी बैग नहीं मिल पाएगा। कौन सी कंपनी का कैमरा? ऑस्मो, ऑस्मो DJI। अंकल ने तो मना कर दिया, यहाँ पे कोई है ही नहीं, यहाँ पे ऑस्मो का कोई मिलेगा ही नहीं, ना कैरी बैग ना कुछ। मतलब GoPro है उनके पास, तो GoPro का थोड़ा बहुत सामान मिल जाएगा, लेकिन उसका भी कोई कैरी बैग या फिर लेंस कवर कुछ भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ ढूंढना मेरे को पड़ेगा कि कहाँ पे मिल सकती है ये चीज़ ऑस्मो की। इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे क्या, कवर वगैरह? यहाँ को पीछे गली में। अंकल ये एक्शन कैमरा के मिल जाएंगे इक्विपमेंट्स क्या? अंदर मतलब अंदर मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते? हाँ जी, हाँ जी, ये एक्शन कैमरे के वो मिल जाएंगे? कोई बात नहीं, वही तो मैं और क्या वही कह रहा हूँ, मैं भी कमा नहीं रहा, तो मैं सेकंड के रेट में दे रहा हूँ, ये तो मैं देता नहीं, ये तो मैं अटक गया हूँ, जो मैं चलो बोल। एक्शन कैमरा के वो मिल जाएंगे कवर वगैरह? नहीं, नहीं। आसपास कहीं आपको पता हो कोई आसपास दुकान? नहीं पता। अंकल एक्शन कैमरे के कवर मिल जाएंगे क्या? नहीं मिल पाएंगे, कैरी बैग वगैरह कुछ भी नहीं। यहाँ कोई आसपास होगा जो दे सकता है एक्शन कैमरा का? यार
अंकल एक्शन कैमरे का कोई सामान मिल सकता है? अरे पता करना पड़ेगा। भैया एक्शन कैमरे का सामान होगा, कैरी बैग वगैरह टाइप, या कोई और रखता हो आसपास? नहीं। ये जो है अंदर से तो आएगा भैया, यहाँ कोई होगा एक्शन कैमरा का सामान हो मिलता हो जहाँ पे? नहीं। भैया यहाँ कोई होगा एक्शन कैमरा का सामान मिलता हो जहाँ पे? हाँ हाँ, तो आपका 20,100। भैया ये ओस्मो का DJI है, इसका सामान मिल जाएगा? एक तो इसका लेंस कवर होगा, कवर मतलब कैरी बैग जिसमें इसको कैरी कर सकूँ मैं, कुछ भी नहीं होगा। माइक दिखाना, माइक अडाप्टर कैसा है? 3500 का है, एक बार दिखा दोगे क्या? नहीं। यहाँ हीरो 7 भी है, हीरो 9 भी है। कोई गारंटी वारंटी है इसकी क्या? एक साल की, मतलब कोई कैरी बैग वगैरह कुछ नहीं आता वैसे इसमें? नहीं। कैरी बैग टाइप का होगा क्या एक्शन कैमरे का? नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिल पाएगा। और कोई सा भी कैरी बैग, कैरी बैग किसे कहते हो? मतलब छोटा सा हो, कोई सा भी हो, मतलब पाउच टाइप का होता है, जैसे कि लेंस पाउच होता है, चल जाएगा? हाँ जी, लेंस पाउच हो जाएगा। अंदर गली में चले जाओ सामने, हाँ जी, टक्कर पे। अच्छा, वहाँ बोल दो लेंस पाउच चाहिए। ठीक है ठीक है, वो लेंस पाउच देंगे, इसका पाउच देने का लेंस का होता है। अच्छा अच्छा, लेकिन वो उसके अंदर ये आ जाएगा। ठीक है भैया, शंकर भैया ने बोला। ठीक है भैया, चलो कहीं तो काम बना। भैया शेंटी भैया ने बोला है इसका लेंस पाउच मिल जाएगा आपके पास? लेंस पाउच नहीं, इसका ही पाउच मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, इसको डालना है ना पाउच, कोई भी चलेगा ना पाउच। हाँ भैया फूजी के पाउच दे दो इसे, तो बेसिकली लेंस भी बच जाए थोड़ा बहुत, कहीं रखो तो। अगर पूरा पूरा कह रहे हो क्या डालना? पूरा डल जाएगा क्या? पूरा नहीं, खाली कैमरा कैमरा डल, कैमरा कैमरा डल जाए है? कैमरा कैमरा डल जाए, कैमरा फूजी का ना नीचे से ना पाउच है ना, हल्दी यहाँ लगाने वाले मालिक मैं हूँ। यहाँ पे मिलने वाला है वैसे, बोला है भैया ने, तो देखते हैं कौन सा निकलता है, कैसा होता है। कितने तक का होगा वैसे भैया? अरे क्वालिटी आ गया, 150-200 के नीचे कुछ नहीं होता। इनके माइक वगैरह भी होंगे क्या भैया? माइक माइक आते हैं ना अडैप्टर के साथ लगते हैं। कितने तक का खर्चा है? इसमें ऑप्शन है भैया, सी टाइप का है अंदर की, सी टाइप है ना, अडैप्टर ही लेना पड़ेगा। कितने तक का खर्चा है अडैप्टर भी मेरे ख्याल से ना अपना 5,500 का आता है, मैंने कोई बेचा नहीं हूँ ये। बड़ा कैमरा गर्म हो रहा है भैया? हाँ ये ऑन है ना इसलिए। इतना होता है भैया गर्म? हाँ वो कहते हैं कि गर्म होता है थोड़ा बहुत। हाँ जी भैया, GoPro भी मैं देखा गर्म होता ही है। वो बात नहीं है, कोई कोई बात बन जाती है ना, सर मिल गया सर? हाँ जी भैया, हाँ जी मिल तो गया है, लेकिन भैया ढूंढ रहे हैं इससे भी अच्छा कोई मिल जाए तो। नहीं आपने खाली ये डाला है, खाली ये डाला है तो बहुत अच्छा है, 2 मिनट का काम, अच्छा 4 रुपए का कार्ड है, इससे भी अच्छा हो तो वो लगा दो। ये भी है? हाँ ये दिखा दिए ना, कैसे? यही है भैया, यही है मेरे। कितने का भैया? 100 रुपए भैया, 100 रुपए। क्या भैया दुकान का नाम क्या है आपकी? रूबी इंडस्ट्री। और नंबर क्या है? नंबर मोबाइल नंबर? नहीं नहीं, दुकान का नंबर, शॉप नंबर। आप विजिटिंग कार्ड दे दो, आपका एड्रेस डाल देता हूँ मैं। ब्लॉगिंग करते हो भैया? हाँ जी हाँ जी। किस नाम से भैया?
द एमके व्लॉग्स के नाम से है ना यूट्यूब चैनल मेरा, क्योंकि मैंने कहीं पे भी ढूंढ लिया आप ही के पास मिली ये चीज़। मैंने हमारे पास ही होते पूरे मामले में। जी 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 ठीक है भैया, भैया लाइक सब्सक्राइब कर दो चाहो तो। कोई नहीं कर दो, ठीक है भैया, लिंक भेज देना। ठीक है भैया, ठीक है। सरदार को पे भी नहीं मिली मेरे को जो चीज़, वो अंदर मिल गई दुकान पे। तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से मार्केट से बाहर, एकदम कोने पे अंदर दुकान थी, बहुत अंदर। जितनी भी बाहर की जितनी भी खूबसूरत दुकान थी ना, वहाँ कहीं पे भी ये छोटी सी चीज़ नहीं मिली जो अंदर एक दुकान पे मिल गई। तो मेरे पास माइक के पैसे तो थे नहीं, तो मैंने माइक लिया नहीं अभी, क्योंकि अभी इतने पैसे नहीं थे मेरे पे। किसी और दिन लूँगा मैं, अगर पैसे लेकर आऊँगा किसी और दिन तब लूँगा मैं। तो अभी फ़िलहाल मैं वहीं चलता हूँ जहाँ बाइक खड़ी करी थी मैंने, मार्केट के अंदर। यहाँ पे हर बंदा मेरे को देख रहा था कि ये बंदा क्या कर रहा है क्या कर रहा है। लेकिन ये एक आपकी ज़िंदगी में एक पॉइंट आता है कि आप पब्लिक के बीच में ब्लॉक कर पाते हो, क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी थी ना बिल्कुल शर्माता था। हालांकि पापा के सामने अभी भी मैं शर्माता हूँ, लेकिन अब बिल्कुल कहीं नहीं शर्माता मैं। हेलो हेलो, स्टार्ट कर देंगे ना एक दिन ऐसा आएगा आपकी हेजिटेशन खुल जाएगी, आप शर्माना भूल जाओगे पब्लिक प्लेस में। चलो ये भी बढ़िया हुआ कि आज का व्लॉग भी मेरा कंप्लीट हो गया है।